पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, जैसे मेनली साइन, थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के छह फार्मूला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हम इन्हीं छह से और इसका इन्वर्स फार्मूला के बारे में जानेंगे, जैसे साइन थीटा का अपोजिट 1/ कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का अपोजिट 1/ साइन थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा का अपोजिट 1/ सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट 1/ कॉस थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट 1/ कॉट थीटा, और कॉट थीटा का अपोजिट 1/ टैन थीटा। तो एक ये हो गया, एक ये, दो तीन चार पाँच छः। इसके बाद हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी का अपोजिट होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों फार्मूला का यूज बहुत होता है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ कंसेप्ट और देख लेते हैं, जैसे नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रेंगल फार्म में जैसे ए बी सी, तो इसको हम लोग बी सी को बेस बोलते हैं, लेकिन ध्यान देना है ये 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री। तो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस होगा। तो अगर हमको इसमें जैसे बेस और परपेंडिकुलर दिया है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, यानी ए सी इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे ए सी। या हमको अगर ए सी दिया है, बी सी पूछे या ए बी पूछे, तो भी हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमको ए सी गिवेन है, ए सी गिवेन है, तो हम लोग को जैसे बी सी निकालना है, तो यानी बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, यानी इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो मेरा ए सी होता है। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, या हमको मान लीजिए ए बेस गिवेन है तो हमको ए बी निकालना है, तो ए बी को हम रखेंगे ए बी ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, तो हम बेस निकाल सकते हैं। तो हम इन छह रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे ट्रेंगल के फार्म में इसके रेशियो को लिखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जैसे पहला है मेरा साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है, इसको हम लोग एक ट्रिक से याद रखेंगे, जैसे
पी बी पी अपान यच यच यच, जैसे इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे पार्ट में, तो ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कास थीटा, और इसको ऐसे लिख लेंगे टैन थीटा। उसके बाद टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, और कॉस का होता है सेक थीटा, और साइन का होता है कोसेक थीटा। तो जैसे अब क्या होता है ट्रेंगल फार्म में, ये परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनस, यानी साइन में क्या होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस में क्या होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, वो बेस अपान हाइपोटेनस, टैन में परपेंडिकुलर अपान बेस। तो हम ऐसे याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि साइन में क्या होता है, लेकिन ध्यान रहे ये एंगल थीटा होना चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो यानी पी बाई एच परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, पी बाई एच परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस साइन में होता है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है मेरा कोसेक होता है। तो कोसेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। अब इसके बाद मेरा आएगा कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बी बेस अपान हाइपोटेनस। उसके बाद सेक थीटा हाइपोटेनस अपान बेस, टैन में देखेंगे टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, काट में देखेंगे काट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। तो इस प्रकार से हम लोग बेस हाइपोटेनस ये जो होता है, तो यदि हम लोग एंगल को चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे थीटा कर देंगे, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, और ये हमारा बेस हो जाएगा। और जैसे यदि हम लोग एंगल को यहाँ पे कर देंगे, तब हमारा थीटा के सामने जो हुआ है मेरा परपेंडिकुलर, और ये हमेशा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और इसके बाद ये बेस होता है, तो ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो अब हम लोग कैसे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, जैसे देखो पाइथागोरस थ्योरम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मेरा कोई ट्रेंगल दिया है, तो ये गिवेन है, अब इसमें हम लोगों को ए बी सी, जैसे ये मेरा 4 दिया है परपेंडिकुलर, और बेस मेरा 3 दिया है, तो ए सी निकालना है। तो ए सी हम लोग कैसे निकालेंगे, ए सी रूट ओवर 4 का स्क्वायर फार्मूला होता है मेरा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए बी मेरा क्या दिया है 4 का स्क्वायर प्लस बी सी मेरा दिया है 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे 16 आएगा, प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा, 16 9 25। 25 का रूट जो होता है वो मेरा क्या होता है 5 होता है, तो यानी ए सी मेरा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, CBSE यानी NCERT के 8.1 से एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे।